हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहाँ पर मैं वीकली मंथली टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। सो अगर आप चैनल पर न्यू है और रीडिंग से कनेक्ट होते हो, सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, आपकी राशि के अकॉर्डिंग ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, मतलब आपकी राशि कब से शुरू होती है वो टाइम आपको दिख जाएगा। उसी के साथ साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो अपनी मून राशि के ऊपर। देखो, टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो कोई भी, तो उसमें आप उसको एज पर अपनी मून राशि, जो आपकी चंद्र राशि होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो आती है, नाम राशि, किसी भी अकॉर्डिंग देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जिस भी राशि से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो देख सकते हो। बहुत लोग दो राशि कंबाइन करके भी देखते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो यस, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना रेमेडीज़ रिलेटेड भी प्लेलिस्ट है, और क्रिस्टल को, अगर क्रिस्टल आप परचेज़ करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो मेरे ब्लॉग्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ना। पर्सनल कंसल्टेशन मैं करंटली नहीं ले रही हूँ, जब भी मैं शुरुआत करूँगी तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप सभी लोगों को मैं अपडेट दे दूँगी कि अभी मैंने शुरुआत कर ली है, तो आप तब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अभी आप इस रीडिंग को आराम से सुन सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो एरीज, कैसे हैं आप लोग? सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आप लोग के लिए मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, क्या आप लोग के लिए स्पेशल एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। ओके, सो एरीज, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है, द कार्ड ऑफ लेजीनेस है, एंड ये ना एक्चुअली द नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कहा जाता है। अब इसका ना मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा एक पॉजिटिव लेजीनेस आपके जीवन में आएगा, जैसे कि आपको लगेगा यार बहुत हो गया स्ट्रेस, बहुत हो गया प्रेशर से काम करना, अब जीवन में थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन चाहिए, आपका मन चाहेगा वेकेशन पे जाने को, आपका मन चाहेगा लग्जरी एंजॉय करने को, आपका मन करेगा कोई शॉपिंग करने को, तो इस प्रकार से आपकी खुशी के लिए एक्सपेंसेस पॉसिबल हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ऑल्सो आप कोई अपनी मनपसंद की चीज़ की विश भी फुलफ़िल कर सकते हो, जैसे कि कोई भी स्पेशल परचेज़ करना चाहते हो, एनीथिंग एज सच, उसमें भी आपके लिए पॉजिटिविटी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ आपने एक और चीज़ का ध्यान देना है, वो ये कि आपने अनवांटेड, मतलब सोच समझ कर खर्चा कीजिएगा, कोई चीज़ आपकी बड़ी टाइम से इच्छा पेंडिंग है वो कीजिए, कोई बात नहीं, बट अनवांटेड खर्चों को थोड़ा सा संभल कर आपने चलना होगा, ये भी साथ में एडवाइस है। जो कार्ड देखा जा रहा है वो द कार्ड ऑफ बर्डन। वहीं वीक के मिड में आते आते चीज़ों का जो प्रेशर आपके ऊपर स्टार्टिंग में कम था, वो अब प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सो मैं कहूँगी बहुत अच्छा होगा अगर आप वीक की शुरुआत में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन्जॉयमेंट दे दें, तो अच्छा ही माना जाएगा। मिड वीक में चीज़ों का प्रेशर और काम का स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ प्रेशर हैं वो ज़रूर आप पूरी करेंगे। ये जो नाइन नंबर का नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जो कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ये दोनों कार्ड इंडिकेट करते हैं कि मेष राशि वाले अपने लिए जो भी इस हफ्ते गोल्स की सेटिंग करेंगे उसको अचीव करेंगे, बखूबी उसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है। जहाँ तक मैं बात कर लूँ, रिलेशनशिप की न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है, हेल्थ भी आप लोगों की न्यूट्रल रहती हुई दिख रही है, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपने लिए जिएंगे, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, ये ज़रूर आपके लिए देखा जाएगा इस हफ्ते में, जो कि करना भी बहुत ज़रूरी और अच्छा माना जाएगा। इस हफ्ते जो भी आप डिसीजन लोगे बहुत मेच्योरिटी से लेंगे। यहाँ पर तो कॉन्शियसनेस के कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन, आपकी कहते हैं ना कि इनसाइट्स, आपका गट फीलिंग आपको गाइड करेगी कि क्या करना है।
ऑल ओवर वीक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशी के लिए भी जीते हुए दिख रहे हैं, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, बोल्ड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई एडमिशन है, कोई जॉब लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए पोटेंशियल 75% तक स्ट्रॉन्ग इस हफ्ते बना हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, मिड वीक में संघर्ष होगा। जैसे इंसान पहाड़ चढ़ रहा है, थक गया है, इसको उसके ऊपर बैठा इंसान रास्ता बता रहा है कि तुझे वहाँ जाना है, लेकिन वो थक गया है, वो कहता है भैया बस हो गया, मुझे पता है मुझे वहाँ जाना है, बट आई एम टायर्ड। तो यू नो, ये थोड़ा सा फेज़ आपके मन में आएगा कि आपको आपका गोल पता है, आपकी मंजिल पता है, आप सब चाहते हो, वो यू नो उसका रास्ता पूरा पता है, बट थक गए हैं। तो उसी थकावट, उस मेंटल स्ट्रेस को, या कह लीजिए उस ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग को थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना होगा, ये ज़रूरी है। रिलेशनशिप में अगर स्ट्रेस आ रहा है तो इस हफ्ते उस स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता काम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल पढ़ाई की भी जैसे मैं अगर बात करूँ, तो पढ़ाई आपको पता है कि भैया मेरे को डेली पढ़ना है, उस तारीख को एग्ज़ाम है, मैं अगर पढ़ूंगा तो यू नो आई अचीव गुड मार्क्स। लेकिन यू नो हम ईजिली इंसान है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं लगता है, कुछ हो जाता है, थक जाते हैं, सो एन सो एन सो मल्टीपल रीजन्स है, बट वही है फोकस और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, तब आपको इसमें सक्सेस आती हुई मिलेगी। मेष राशि वालों, ये ऑल ओवर वाइब है आप लोगों के लिए, आई होप इस एनर्जी से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है, थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, यहाँ पर जैसे कि मैं इमेजेस देख रही हूँ, कहीं ना कहीं इस हफ्ते तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ दिखता है आपके मन में। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही कि मुझे ये डिसीजन लेना है, वो करना है लाइफ में, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कैसे करें। चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे आपके काम में है, आपकी इच्छाएं, इमेजिनेशन करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, कन्फ्यूजन बहुत है। ऑल्सो आपको कुछ आपके ख़ास रिश्तों के ऊपर डाउट भी हो सकता है, या आपको लगे कि ये इंसान जो कह रहा है शायद से वो है नहीं, कुछ और है। यहाँ पर मैं कहूँगी थोड़ी सी आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन को बड़ा संभाल के चलना होगा। कोशिश कीजिए कि शायद मैं अगर सामने वाले को गलत समझ रहा या समझ रही हूँ, या मैं डाउट कर रहा कर रही हूँ, क्या ये सच्ची में इतना सच है या सिर्फ मेरे दिमाग के नो इमेजिनेशन है। तो उस पर डिस्कशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा। आपके मन दिमाग में भी जो कन्फ्यूजन है ना, उसके बारे में कम्युनिकेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, अपने मन में ही बातें रखकर सोचिएगा नहीं, वो चीज़ आपको और उलझनों में यू नो उलझाती चली जाएगी, सोल्यूशन नहीं दे पाएगी। तो कोशिश करना कि किसी अपनों से ख़ास बात करें। बहुत कहेंगे मैम हमारी ज़िंदगी में अब इतने कोई ख़ास नहीं लोग हैं जिनसे हम बात कर सकें, तो बेस्ट आप लोग को बोलूँगी जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको पेपर पर लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। तो जो भी ये ना एक होता ना हमारे दिमाग में 100,000 थॉट चल रहे हो, तो वो सब जब पेपर पे आ जाएंगे ना, तो एक पेपर पे प्लानिंग कीजिएगा। अगर किसी इंसान के बारे में भी कन्फ्यूज़न हो, तो उसके अच्छे गुण और बुरे गुणों को लिखिएगा, कैसे वो इंसान आपके लिए हेल्दी है, कैसे टॉक्सिक है, ये सिचुएशन कैसे हेल्दी है, कैसे टॉक्सिक है, सब चीज़ पेपर पे लिख लेना। तो उससे बड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाती, डिसीजन आप देखना जो चीज़ 4 दिनों से सोच रहे थे वो एकदम से आपको समझ आ जाएगी, भाई ये चीज़ इतनी वेस्ट ऑफ एनर्जी है, तो इसमें हम सोच ही क्यों रहे हैं, वो करना उतना ही जितना आपके कंट्रोल में है। तो ये ना थोड़ा माइंड आपका क्लैरिटी लेके आएगा। तो आपका माइंड इतनी सारी सोचों से, चीज़ों से ऑक्यूपाइड रहेगा ना, कि आपको रेस्टलेस ही फील होता रहेगा, शांति नहीं फील होगी ना। उसी के साथ साथ यहाँ पे एग्जॉशन के भी कहा जाएंगे, भैया ऑफकोर्स इतना कुछ हो रहा है दिमाग में और इतना कुछ आपके आसपास हो रहा है कि आप बहुत ऑक्यूपाइड एंड स्ट्रेसफुल इस हफ्ते फील करोगे, और उसको कोप अप कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे ज़रूर फॉलो करनी है, चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो। डेली उठकर आप ज़रूर पॉजिटिव एफर्मेशन भी लिखना, वो ना लिखो ठीक है, बट जो मैंने एक्टिविटी बताई है वो करना, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो, या दिमाग में डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही, सो दिस एक्सरसाइज रियली हेल्प्स। तो ये आपको थोड़ा अपने ना घर पे भी डीक्लटर करना, अपने घर पे भी, अपने बेड के नीचे, अलमारी में,
आपके जहाँ कहीं भी आप चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टोर रूम में ऑक्यूपाइड करके रखते हो, वहाँ से भी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है निकालना, वो फेंगशुई वास्तु की मदद से आपके दिमाग में आपकी एनर्जी और हमें क्लैरिटी आएगी और आपका एक न्यू आइडिया, न्यू एनर्जी घर में आएगी तो आपके दिमाग में भी आएगी। ये है गिव अप नहीं करना है एंड ऑफ द वीक में आते आते। आई नो इट इज़ स्ट्रेसफुल जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, लेकिन एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपने फाइटिंग करते रहनी है, आपने गिव अप नहीं करना है। एंड ना शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है आपका इस हफ्ते एंड ऑफ द वीक में या मिड ऑफ द वीक में भी पॉसिबल है। ट्रैवलिंग के योग चांसेस आप लोग के लिए बने हुए दिख रहे हैं टॉरस। एंड उसके अलावा अगर आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हुई थी तो हल्की फुल्की कम्युनिकेशन हो सकती है, बट अभी भी वो फाइट और वो वाली वाइब रहेगी। हल्का फुल्का कम्युनिकेशन होगा बट सॉर्ट आउट होने में अभी भी टाइम लगेगा। रेस्ट, ये एक्टिविटीज़ आपने इस हफ्ते ज़रूर ध्यान देनी है। अपने घर को डीक्लटर करो, चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखो, अपने दिमाग को ध्यान दो कि एक ही रिपीटेटिव थॉट ओवरथिंकिंग ना करे। कर रहा है तो माइंड डाइवर्ट करो, पेपर पे लिख दो, उससे रिलीज हो जाएंगे सारे थॉट्स एंड यू विल रियली फील बेटर टॉरस। तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशन है। ऑफकोर्स ऑल ओवर कुछ नई चीज़ आप इस हफ्ते करना चाहते हो तो जल्दबाजी में मत करना, सोच समझ कर किसी की राय लेकर फैसला लेकर फिर ही करना। जल्दबाजी का कोई भी किया काम इस हफ्ते सफल नहीं होगा, इसलिए पेशेंस पेशेंस के साथ ही करना तो अच्छा होगा टॉरस, ठीक है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। ओके जेमिनी, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए बैलेंस के कार्ड्स आए हैं। ये हफ्ता अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ना मल्टी कलर्स के एनर्जीज बहुत आपकी इसमें आए हैं रीडिंग में। यू नो देयर इज पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, तो मल्टी कलर के कॉम्बिनेशन। तो क्या हो रहा है कि इस हफ्ते जीवन में आपका लाइफ बहुत हेक्टिक बीत सकती है, मतलब ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। तो पहली चीज़ तो बैलेंस की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली इस हफ्ते आपको आएंगी, बट ना आपका एक रूटीन वर्क से जो आप करते हो उससे बोर हो सकते हो। आपको लग सकता है कि नो ये रूटीन हम कर रहे हैं बट इससे हम बोर हो रहे हैं, बट कोशिश इस हफ्ते आपने ये करनी है कि जो भी आपका रूटीन काम है उसी रूटीन काम में आपने शांति ढूंढने की कोशिश करनी है। उसी रूटीन वर्क को हम एक ना जैसे हम हमें आदत पड़ जाती है, हम डेली सुबह उठकर ब्रश करते हैं बट हम ब्रश उतनी अवेयरनेस से नहीं करते, हम 100 चीज़ें और सोच रहे होते हैं। हम डेली बस पकड़ेंगे, कार में जाएंगे, हमारी डेली रूटीन कर रहे होते हैं बट हम स्लो डाउन होकर नहीं कर रहे होते हैं। तो इस हफ्ते आप लोग के लिए एडवाइस है कि जो भी काम आप करें बहुत ही अवेयरनेस के साथ करें, पेशेंस के साथ में करें, अच्छा माना जाएगा। रेस्ट, जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं इस हफ्ते जॉब आती हुई दिख रही है। एंड न्यू फ्रेश एनर्जी अपनी तरफ से लाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के टेबल पर, आपके स्टडी टेबल पर, आपके बेडरूम में नेचर की तरफ से फ्रेश फ्लावर्स ला के रखें। आप धुआं अगरबत्ती कर सकते हो, आप कपूर रख सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपकी डेली रूटीन। अगर आपको लग रहा है डल एनर्जी हो गई है या आपको डल फील हो रहा है, आपके पास क्रिस्टल्स पड़े हैं उनको आप वॉश करके रखें, क्लीन करके रखें, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा फ्रेश एनर्जी लाने के लिए। ऑल्सो नेचर में जाना भी आपके लिए बहुत हद तक रिकमेंडेड है, बिकॉज ये देखो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड और मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है और ये मोरालिटी का कार्ड है। ये तीनों कॉम्बिनेशन कहते हैं कि इस हफ्ते कोई बड़ी मुसीबत आती हुई नहीं दिखती है, ये हफ्ता आपके लिए सुख रहेगा, शांति रहेगी। लेकिन इंसान है ना, तो जब उसकी लाइफ में सुख शांति भी चल रही होती है ना तो उसको फिर बोर्डम फील होने लगता है। तो इसीलिए जेमिनी, इस हफ्ते आपने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। उसके अलावा अगर आप कोई नया अटेम्प्ट करना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एनीथिंग फॉर दैट अच्छा माना जाएगा, नो प्रॉब्लम। पैसे के लेन देन को लेके कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं पैसे के गेंस भी आ सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, पैसे की जगलिंग इस प्रकार हो सकती है जैसे इंसान ना एक से यहाँ पर जंप कर रहा है तो बैलेंस कर रहा है लाइफ को। लाइफ में चैलेंजेस भी हैं, बहुत कुछ हो रहा है, न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं बट बैलेंस करके चल रहा है। बट ऑल ओवर समझ लो ये हफ्ता पॉजिटिव है, स्मूथ है,
अच्छा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ना ही रिलेशनशिप्स में कोई बिग इश्यूज़ हैं। अगर चल रहे हैं तो वो अपने समय से ठीक होंगे, इस हफ्ते ठीक हो जाएं ये मैं नहीं कहूँगी, समय लगेगा, लेकिन आपको अपने आप को, अपनी रूटीन को, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा इस हफ्ते, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वीक ऑल ओवर कुछ न्यू बिग प्रॉब्लम्स लाता हुआ नहीं दिख रहा है, ये ऑल ओवर एनर्जीज़ है। सो आई होप जेमिनी जिससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द कार्ड ऑफ शेयरिंग है, एंड ये बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है कैंसर्स। हेल्थ में रिकवरी आती हुई दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, कलरफुल यू नो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। जो भी चीज़ को लेके आपने इतने टाइम से होप बनाई हुई है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये इच्छा है, मेरे साथ ये होना चाहिए, तो आपकी उस इच्छाओं में, उस आपकी प्रार्थनाओं में पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। एंड हो सके तो इस हफ्ते आप मोस्टली सारे 5 शेड्स यूज़ करें तो अच्छा होगा, ऑरेंज, येलो। आपके खान पीन में, फ्रूट्स के मामले में, ड्रेसअप के मामले में, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी और वाइटैलिटी देगा, तो अच्छा माना जाएगा। एंड ये ऑल्सो एक शुभ, अच्छी गुड न्यूज़ लाता हुआ भी दिखता है आपके जीवन में, तो ये भी बहुत अच्छी ऑल ओवर एनर्जीज है कैंसर। इट्स अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग ऑनेस्टली। उसी के साथ साथ चैरिटी एंड शेयरिंग भी ज़रूरी है, हो सके तो चैरिटी करें इस हफ्ते, किसी भी रूप में कर सकते हो, किसी भी अमाउंट में, नो प्रॉब्लम, तो ज़रूर कीजिएगा। नाउ विद दैट, यहाँ पे बीच के कार्ड पे आने से पहले मैं आपको ये कार्ड समझा देती हूँ। ये कार्ड है द कार्ड ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा कार्ड है, डिसिप्लिन आप लोग का बढ़िया रहने वाला है, जो काम सोचोगे उसको करोगे, तो आपके करियर में, एजुकेशन में, हेल्थ में पॉजिटिविटी है, अच्छी एनर्जीज देखी जा रही हैं, बढ़िया आपके वाइटैलिटी रहने वाली है। अब जो ये कार्ड है ना, यहाँ पर आपको मिड वीक में थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है कि लाइफ में, मिड वीक में स्पेशली पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा आपको डिसकनेक्टेड फील हो सकता है, कि जैसे आप अपने ही लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप या समझा नहीं पा रहे हो, एंड थोड़ा सा आपको स्टक फील होगा। मे बी आपकी पास्ट की चीज़ों की वजह से आपके मन दिमाग में कोई पास्ट का पेन बैठा हुआ है, एंड आपको लग रहा है कि यार मैं अब लाइफ में इससे उभर नहीं पाऊँगा, या मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि आप बहुत इजीली, अगर अब बस आपकी विल पावर की आपको ज़रूरत है, और ख़ुद के ऊपर फेथ और भगवान के ऊपर फेथ, उससे ज़रूर आप आगे बढ़कर आप आगे जा सकते हो। अपने आप को ये मत सोचिए कि ये एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को ब्लॉक बना के रख देगा, या वापस से आप कभी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाओगे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीवन में कभी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम सोच लेते हैं कि भैया अब ये लाइफ में हम दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, या हमसे नहीं हो पाएगा। आई नो उस वक्त में वही चीज़ हमें यू नो सच लगती है, बट यूनिवर्स में खुद को हील करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको एक और जीवन में मौका देना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये स्पेशल मैसेजेस मिड वीक में आपको अपने आप को याद दिलाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिड वीक में वो चमत्कार हो जाएगा, नहीं, बट उस हीलिंग प्रोसेस पे आपको काम करना होगा इस हफ्ते, ये आपके लिए ज़रूरी है। जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको पॉजिटिव बनाकर अपनी लव रिलेशनशिप में अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, बिकॉज इस हफ्ते आपको अपने अपनों से, करीबी लोगों से रहते हुए भी आपको लोनलीनेस महसूस हो सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है, तो उस पर आपने कोशिश करनी है, खुद के ऊपर काम करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज एंड मैसेजेस इस हफ्ते आपके लिए बन रहे हैं कैंसर्स, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। मुझे ये वाला कार्ड और ये कार्ड आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा लगा है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स, थैंक यू। हेलो लियोस, सो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। ओ
ओके लियोस, सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ लियो राशि वालों के लिए इस हफ्ते, वैसे जितने भी मेरे प्यारे लियोज़ हैं, कई बार जब वो रीडिंग देखते हैं तो कनेक्ट होते हैं एंड देन वो कहते हैं कि मैम रीडिंग हमारी लियो राशि वालों की इतनी स्ट्रगलिंग कई बार क्यों आती है। देखो उसकी वजह बहुत सारी होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि लियो राशि वाले हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं या उनको सक्सेस नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है। कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पैटर्न दिखता है, तो वो बहुत ही डीप टॉक है और डीप नॉलेज है। मैं सिर्फ हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि जो भी राशि की जो भी एनर्जीज दिख रही है, मेरा फ़र्ज़ है वो बताना। अगर आपके 3-4 हफ्ते रिपीटेटिव आपको लग रहा है कि रीडिंग हमारी थोड़ी सी वीक आ रही है, डल आ रही है, इस हफ्ते अच्छी आ गई है या उस हफ्ते अच्छी थी, सो जो भी फैक्ट मुझे कार्ड में देखेंगे, मेरी ड्यूटी है लियोज़ वो बताना। जस्ट आपको खुश करने के लिए मैं जो रीडिंग में आया, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। वो रीडिंग में क्यों आया है, क्यों प्लैनेट्स ऐसे हैं, क्यों एनर्जीज ऐसी हैं, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। इट्स एनर्जीज, इट्स प्रेडिक्शंस, इट्स यूनिवर्स। उन चीज़ों पे अवेयर रह के क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कितना पेशेंस रखना है, वो मेरा काम है आपको बताना। एंड आपका भी काम वही है कि उस सिचुएशन को, जितनी भी हालात जैसे भी हो, उसको आगे पार लगाना, ठीक है। तो आपके चैलेंजेस से रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है, चैलेंजेस तो हैं स्कॉर्पियंस, मैं ये नहीं कह सकती हूँ लाइफ आपकी स्मूथ चल रही है। आप बहुत हद तक अपने हालातों से लड़ झगड़ कर उससे आगे बढ़ रहे हुए दिख रहा है। अब जितने लियो इससे कनेक्ट होते हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, बट मेरे को दिख रहा है, मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी आपको एकदम नींबू की तरह निचोड़ कर आपके अंदर से ना एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप गुजर रहे हो, ये आपको जीवन में ये आपको सिखाएगा दाटिनू, जीवन में कठोर ये स्ट्रांग बनना भी बहुत ज़रूरी है ना। आप स्ट्रांग बनोगे इस वक्त से। हालात ऐसे हैं कि देखो ऑनेस्टली, जो कार्ड्स की एनर्जी, अगर आप न्यू जॉब के लिए देख रहे हो, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो अभी समय कमज़ोर है। इस हफ्ते में जितना हो सके अपने जीवन से टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस, एंड समझिए कि क्या चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, और जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसको कितना हद तक आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो नहीं कर सकते हैं उसको स्वीकारने की शक्ति आप मांगिए, वो आपके लिए मददगार साबित होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नो, आप खुद भी ये महसूस अपने मन में करते होंगे कि यार हार मानने वालों में से तो आप नहीं हैं। एंड लोग आपको जितना भी मिसअंडरस्टैंड कर लें, आपको पता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप सच्चे हो, आप अंदर से केयर करते हो। मे बी आपके कहने या बोलने के तरीके से लोग गलत समझ जाते हों, बट आपने हमेशा अपना 100% दिया अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो ये चीज़ आपके अंदर आपको कभी भी अंदर से मरने नहीं देगी। सो वो चीज़ को ज़िंदा रखिए, और उस तरीके से आप ये मत सोचिए कि हम लाइफ में अकेले हैं, या मैं इस वक्त में कोई समझ नहीं पा रहा है, या मेरे ऑफिस में ये टेंशन है, या मेरी लव लाइफ में ये स्ट्रेस है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या लेसन है, कब सक्सेस आएगी लाइफ में। बड़े सारे सवाल होते हैं इंसान के जीवन में, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो उसको सस्टेन रख पाती है, वो है उसका खुद के ऊपर विश्वास और ख़ुद के ऊपर फेथ, और ख़ुद को हिम्मत बनाए देते रहना, वही एक चीज़ है। बाकी अब जितनी मर्जी चीज़ें आने जाने वाली कर लो, कुछ भी टिकता नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, किसी को अपना सगा समझ लो, एट सम पॉइंट आपको खुद ही खुद का सबसे बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट रिलीजिंग नेगेटिविटी, एंड जो आपको लग रहा है कि भैया इससे बात करके मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, प्लीज़ उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको कुछ भला नहीं करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इस वक्त में चल रहा है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर द रेबल के कार्ड्स आए हैं विद रीबर्थ, ठीक है। सो दिस शोस, आपको लग सकता है कि यू नो शायद आपकी गलती है, आपको सुधरना चाहिए, मे बी पॉसिबल है, पॉसिबल आपको लगता है तो कीजिए चेंजेस, नो प्रॉब्लम, बट समवेयर अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। डिफ़िकल्ट लगेगा, अकेलापन लगेगा, पर इस अकेलेपन में भी आपका विजडम, आपकी खुशी ही छुपी है, तो उससे गुजरी हो उस रास्ते से। बहुत लोगों के लिए प्लेस चेंज के चांसेस हैं, बहुत लोगों के जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जो वंस अगेन मैं कहूँगी इस वक्त में डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट आने वाले समय में अच्छा रहेगा। हेल्थ का ध्यान देना है ज़रूर,
आप लोगों ने लियो राशि वालों, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। रिलेशनशिप रिकवरी इस हफ्ते मुझे नहीं दिख रही है। जॉब जिनकी है उनकी ठीक ठाक चलेगी। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते नहीं दिख रही है। जिनके एग्ज़ाम्स इस हफ्ते हैं, अपना हार्डवर्क बढ़ा लीजिए, फोकस अच्छा रखिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो पॉइंट आउट करनी है वो और कोई भी नहीं है। सारे एस्पेक्ट जो भी मुझे कार्ड्स में मैसेजेस में दिखे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रांग। इस हफ्ते मेन मैसेज आप लोग का यही बन रहा है, तो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो वर्गोस, सो जान लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द ट्रस्ट का कार्ड है। ये कार्ड आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ठीक है। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, उन्हें भी आपकी चिंता है, वो भी जानते हैं कि आपको किस वक्त में क्या चीज़ देनी है। सो डोंट थिंक कि आप लाइफ में अलोन है। इस तरीके से अगर आप कोई जीवन में नया कदम उठाना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो जितने भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एब्रॉड जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी सक्सेस बनी हुई दिखती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, अच्छा आप लोग के लिए समय रहेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है जो मिडिल वीक का कार्ड आया है, कि पैसे को लेकर के आप हो सकता है ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। बट ये चिंता में ही आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शायद से आप मनी को लेकर के नेगेटिव भी ज़्यादा हो रहे हैं कि नो मेरे पास पैसा आता नहीं है, मेरे पास कभी पैसा टिकता नहीं है, बाबा ये खर्चे ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मनी को लेके कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आप स्टबर्न ना हो, अपने इमोशंस को लेके स्टबर्न ना हो, ईजीली लोगों को माफ़ करें, ईजीली लेट गो करें एंड शांत रहें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज ये स्टक कार्ड है, ये पर्सन स्टक हो गया है अपनी ही सोच में, उसको लगता है पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही खुशी है। और इंसान कई बार ऐसे कोई ना कोई बातों को लेकर ना अटक जाता है कि भैया ये जो मैंने सोचा है, नॉट ओनली मनी बट किसी भी चीज़ में भी, जो मैंने सोचा है ना ये होगा तभी मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ और हो गया ना तो मेरी तो मतलब लाइफ ख़त्म है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जब इंसान ये स्टेज पे आ जाता ना, फिर वो चीज़ उसको जो उसकी लाइफ में आसपास अच्छी हो रही है उसको दिखती नहीं है। तो ये स्टेज पे अपने आप को मत आने देना। मिड ऑफ़ द वीक में ये एनर्जीज आपके पास आएंगी एंड यू माइट फील कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, ना तब आपको अपने आप को रिमाइंड कराने की कोई बात नहीं, जितना मेरे हाथ में है, जितनी मेहनत मेरे इसमें, मैं उतना करूँगा, जितनी मेरे काबिलियत है, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी। एट देर नाम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, तो कुछ भी इन रियलिटी हमारा नहीं है। सो ये एनर्जीज आपने अपने माइंडसेट में रखनी है। उसके अलावा ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, द ट्रस्ट एंड वी आर द वर्ल्ड। ये कनेक्टिविटी के कार्ड हैं, सोशल कनेक्शन अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, बिग प्रोजेक्ट कम्प्लीट होंगे, करियर में सक्सेस है, एजुकेशन में सक्सेस है, रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन है, पॉजिटिविटी। बट बकायदा आपको अपने ऊपर भी काम करना होगा, फॉरगिवनेस, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड रखना होगा। कोई अप्रोच कर रहा है या आप अप्रोच कर रहे हैं या पेशेंस, व्हाटएवर, अलग अलग एंगल में हो सकता है, बट इस रूप से आपने काम करना है तो आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा वर्गोस। अदरवाइज वीक इज़ गुड, पॉजिटिव। मेरा सबसे फेवरेट कार्ड ये वाला है आपकी रीडिंग में, ट्रस्ट। आई लव दिस कार्ड। यूनिवर्स और जिस भी भगवान गुरु को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखिए कि वो आपके साथ हैं, आपके काम बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे, ये विश्वास मन में रखिए। तो ज़रूर आपकी मेहनत हो और ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो कोई भी काम अधूरा कभी नहीं रहता, आज नहीं तो कल, उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं।
ओके लिब्रास, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड आया है माइंड के ऊपर। यहाँ पर कार्ड आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि शायद से आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालिसिस कर रहा है, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में ना ऑक्यूपाइड है आपका दिमाग। कोशिश ये कीजिएगा ज़रूर ज़रूर मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए। अगर आपको लगता है भैया ये सब हमने कभी भी किया नहीं है, मेडिटेशन करने बैठते तो दिमाग और ही तेज़ हो जाता है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट आप मूवीज़ या स्क्रॉल करने से फ़ोन को मत कीजिए। कुछ ना समझ आए ना तो आप सिंपली वॉकिंग को चले जाइए। वॉक करने से भी आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। कहीं ना कहीं से अपने आप को शांत करने की कोशिश करें, पीसफुल म्यूज़िक सुने, आंखें बंद करके नो कुछ भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, प्रायोरिटी दे। कई बार क्या होता है, इंसान कहता है अरे बाप रे मेरे पास में शांति से बैठने का टाइम नहीं है, मुझे शांति से बैठना ही नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है, सौ काम है। बट एट दी एंड आपकी हेल्थ ही आपका सबसे पहला वेल्थ है। जब तक आप शांत होकर फोकस नहीं रहेंगे तब तक जो आपकी रियल प्रोडक्टिविटी है, जो आपका रियल टैलेंट है, जो आप और काबिलियत से चीज़ को कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। तो हम कई बार इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी मत करना इस हफ्ते। सबसे टॉप प्रायोरिटी चाहे आप कोई भी लाइफ की स्टेज में हो, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर या व्हाटएवर, ठीक है, ये ज़रूर अपने माइंड को फ्यूचर का बहुत सोच सोच के ओवर थिंकिंग भी इस हफ्ते मत करना। एंड उसके अलावा जितने भी लोग कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वेरी गुड, अपना पैशन फॉलो करो, न्यू लर्निंग्स करते रहो, आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, उससे बेटर तो ये है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहो, वो भी बड़ा अच्छा है। विथ दैट अवेयरनेस के भी कार्ड आ रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड और ये कार्ड एक मैसेज दे रहा है कि सबसे पहली चीज़ आपका, अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरे को कोई ना, और ये भी सप्रेशन के कार्ड, जब ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो यहाँ पे भी ना कुछ ऐसे बर्न होके ब्रेक हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी ये पर्सन बर्न होके उसको अपनी रियल सेल्फ का पता चल रहा है। अभी बड़ी स्पिरिचुअल टॉक हो गई, बट इसका मैं मीनिंग आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बताती हूँ। देखो आप कोई ऐसे जॉब में हो, ऐसे बिजनेस में हो, ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको लग रहा है जो मैं पैटर्न, जो जिस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ वो अब ना इतना मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, सो ट्राई समथिंग न्यू। कुछ आपका एक आइडिया काम नहीं कर रहा है, कुछ और ट्राई करो, रिस्क लो, डू समथिंग न्यू। आपको लग रहा है मेरा ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप न्यू रिलेशनशिप में चले जाए, बट दैट मीन्स कि उस रिलेशनशिप में ट्राई करो कुछ न्यू वे से कम्युनिकेट करने की। फिर से जैसे आप स्टार्टिंग में नो अट्रैक्टिव दिखते थे, अपने ऊपर काम करते थे, या आप एक डेट पर जा सकते हो, वॉट एवर, कीप योर सेल्फ हैप्पी, अलाइव एंड एक्टिव बहुत ज़रूरी है। हम सब चीज़ें करेंगे लेकिन जब खुद के ऊपर बारी आएगी तो हम सब कहेंगे बाद में। वो बाद में करने से फिर जब हमें जो अटेंशन यूनिवर्स से और दूसरे लोगों से चाहिए होती फिर हमें वो मिलती नहीं है। दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। बात रही जॉब मिलने की, देखो जॉब मिलने के योग यहाँ पर जैसे मुझे दिख रहे थोड़े कमज़ोर हैं, हार्डवर्क लगेगा, शायद इंटरव्यू नेक्स्ट हफ्ते हो जाए बात अलग है। बाकी जो लोग का बिजनेस काम चल रहा है, व्यापार न्यूट्रल चलने वाला है, बिग इन्वेस्टमेंट, बिग डिसीजन, बिग पेपर वर्क इस हफ्ते साइन करने में नहीं कहूँगी, सोच समझकर पेशेंस से कीजिएगा, अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप में अभी भी टाइम है रिकवरी को। जिनों का रिलेशनशिप ऑलरेडी नॉर्मल चल रहा है, कोई नई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही, डोंट वरी, उसमें आप चिंता फ्री रहिए, कोई टेंशन नहीं है। बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना कि आप खुश रहने चाहिए हो, आप हैप्पी रहने चाहिए, और उसके लिए आपके लिए सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है। सो आई होप लिब्राज इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, एंड इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक।
यहाँ पर अगर मैं देख लूँ स्कॉर्पियंस जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला कार्ड आया है द फ्लावरिंग का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके आने वाले समय में आपको अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है, अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जो काम आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, पेंडिंग था, उसमें अब आपको सक्सेस मिलती हुई देखने ज़रूर मिलेगी आने वाले टाइम में। ऑल्सो मैं कहूँगी कि अपने मन से भी आप बड़ा खुश महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि भाई आपके काम बन रहे हैं, एंड एक अच्छी फ्लोइंग एनर्जी रहेगी। हेल्थ हीलिंग होने वाली है, हेल्थ बढ़िया होने वाली है, आपको न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। सो ऑल ओवर पोटेंशियल इस हफ्ते में बहुत खूबसूरत है। देखो जो आप काम करोगे ना, उस काम की रिकॉग्निशन भी मिलेगी, फ्लो भी बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो ये सारे पैरामीटर्स पे बहुत ही अच्छी सक्सेस आप लोग को देखने मिलेगी इस हफ्ते। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ये वाला कार्ड भी और पहला कार्ड भी बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वाइटैलिटी बड़ी अच्छी रहेगी, एग्ज़ाम बोल लो, एजुकेशन कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, एक ना मैं कहूँगी ऐसे लगेगा से कृपा दृष्टि बनी हुई है। खुशी खुशी काम करोगे, ड्यूटी निभाओगे, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी घर वालों से अपने रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो रिलेशनशिप भी सॉर्ट आउट होता हुआ देखने मिलेगा, सॉल्व होगा, रिकन्सिलेशन है। एंड कोई काम जो पेंडिंग था अब वो कंप्लीट होगा, अब उसमें नो लगेगा कि फाइनली जो टास्क हमने शुरू किया हम वो कंप्लीट करें। बहुत डेडिकेटेड रहोगे स्कॉर्पियंस, एंड ज़रूरी भी है इस हफ्ते आपकी डेडिकेटेड रहो। आपकी डेडिकेशन ही आपको अल्टीमेट सक्सेस के लेवल पे लेके जा सकती है। ये चीज़ मैं नहीं, आपका अंतर्मन भी आपको कहता होगा, लेकिन कई बार आपको पता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, लेकिन आप बार बार आपका समय बर्बाद कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। इस हफ्ते मोस्टली आप वो नहीं करोगे स्कॉर्पियंस, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। एंड उसके अलावा रिलेशनशिप्स आर गुड, नॉट ओनली रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में चलो जो मर्ज़ी भी हो रहा हो, लेकिन आप ना अंदर से कॉन्फिडेंट, स्टेबल, हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करने वाले हो, दैट्स फॉर श्योर। सो ऑल ओवर स्कॉर्पियंस एनर्जीज अच्छी हैं फॉर दिस वीक आपके लिए, इसको और मेहनत और ख़ूबसूरती से आप इन्जॉय करें हर एक पल को, हर एक दिन को, सो वो आपके लिए और बेहतर होता जाएगा स्कॉर्पियंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। हेलो सजिटेरियस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके सजिटेरियस, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन आए हैं कार्ड्स के। अगर आप ध्यान से देखें और समझें तो ये सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ क्रिएटर, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये कार्ड बताता है कि नो कि आप जो सोच रहे हो, जो चाहते हो, उसको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड ऑल्सो आपके ऊपर दिव्य कृपा, दिव्य दृष्टि बनी हुई दिखती है, जिस भी भगवान गुरु को आप मानते हो, यूनिवर्स की। एंड मे बी आपको फील होगा कि आप यूनिवर्स के साथ बहुत खूबसूरती से अलाइनमेंट में चल रहे हो, मतलब शायद से जो आप चाहते हो, जो आपका आपको जो सोल हैप्पीनेस देता है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है वो अट्रैक्ट करने में। एंड दैट्स ब्यूटिफुल सजिटेरियस, धनु राशि वालों इसको यूटिलाइज करें। ऑल्सो योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाना, सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, अपने ऊपर काम करना, वो जारी रखिए, एकदम से जारी रखिए। वो चीज़ आपको बहुत मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग बना रही है, और आने वाले समय में आप उसके बेनिफिट्स भी देखोगे। आप ऑलरेडी देख रहे हो बट और आगे देखोगे। विद दैट ये कार्ड है सक्सेस का, सक्सेस आती हुई दिख रही है, अच्छे प्रमोशन, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा सक्सेस। जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब के लिए येस है, बिग येस, इस हफ्ते पॉसिबिलिटी बन सकती है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। और ऑल्सो जो आपकी इतने टाइम के मेहनत के फल हैं, यू नो वो फल यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने बीज बोया था, प्लांट लगाया था, अभी फल को खाने का समय आ गया है। तो ये वो सिंबलाइज करता है कि जितनी भी आपने मेहनत की है इतने सालों में, उनका आपको रिजल्ट अब अच्छा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। हेल्थ आप लोगों की इस हफ्ते बहुत बढ़िया रहेगी, इमोशनल एनर्जी बहुत बढ़िया रहने वाली है,
ऑल ओवर सक्सेसफुल वीक मैं कहूँगी। देखो रिलेशनशिप में मुझे कुछ खास एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। ऑल ओवर या तो रिश्ते न्यूट्रल रहेंगे या आपका ध्यान ही नहीं है रिश्तों के ऊपर, आपका ध्यान ही आपके काम, आपके एजुकेशन, आपके पैसे कमाने के ऊपर है, खुद के ऊपर है एंड अपने यूनिवर्स के ऊपर है। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है धनुराशि वाले इस हफ्ते कम्प्लीटली अलाइंड रहेंगे यूनिवर्स के साथ में कि येस दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, मुझे इसमें रिजल्ट चाहिए। एंड काफ़ी खूबसूरती से ये हफ्ता आप बिताओगे। जिस भी दिव्य शक्ति को आप मानते हो, कहीं ना कहीं आपने समर्पण भी किया हुआ है, अपना हार्डवर्क भी कर रहे हो, अपने एफर्ट्स भी दे रहे हो, और थोड़ी नम्रता से बात ज़रूर कीजिएगा धनुराशि वालों, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी समझ लो इस हफ्ते बहुत ही दिव्य कृपा बनी हुई दिखती है। जब मैं कहती हूँ दिव्य कृपा या अच्छा एनर्जी, तो समझ लो कि उस समय आपका मन अच्छा रहेगा, जो काम चाहोगे कंप्लीट कर लोगे, तो ऑल ओवर जो जिस भी चीज़ में हाथ में काम डालोगे अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके सजिटेरियस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉन्स, सो जान लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक कैप्रिकॉन्स। ओके सो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द न्यू विजन का कार्ड, एंड दिस इज़ अ रियली गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड बताता है कैप्रिकॉन्स के आने वाले समय में न्यू एनर्जीज आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। जो भी चीज़ें आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, अब उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो इट्स अ गुड एनर्जी। एंड यहाँ पर मिड वीक में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिड वीक में पॉसिबल है कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े अपने बिजनेस में, अपने वर्क एरिया में, अपनी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड हो सकता है कि आपको मनी या लोन की या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, या आप किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट बन भी सकते हैं। एनी टाइप ऑफ चैरिटी, दान ज़रूर आपके लिए करना ज़रूरी है, इस हफ्ते अच्छा माना जाएगा। एंड साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि कहते ना कि जीवन में कई बार ऐसा हो रहा होता है कि हर अच्छाई के पीछे कहीं ना कहीं आने वाले समय में नो कुछ ना कुछ बुराई होती है, और हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो फेंगशुई में इस एनर्जी को बहुत मानते हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी थी, देखो जैसे कि ये वाइट है तो एक ब्लैक स्पॉट है, मतलब हर खुशी में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, या समझ लो वो खुशी पाने के लिए उतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है तब जाके वो खुशी मिलती है। एंड कितनी भी नेगेटिविटी हो, ज़रूर उसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी होती है। सो देखने और समझने का नज़रिया है लाइफ को। देखो जीवन है, सुख दुख चलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, बट एट दी एंड आपकी कोई ख़ास और बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो आपको ये कहा भी जा रहा है कि आप अपने देखने का नज़रिया ऐसा रखें, सम नज़रिया रखें। सम का मतलब होता है बैलेंस्ड, कि अच्छे में भी हम शांत हैं, बुरे में भी हम शांत हैं, जैसा भी वक्त भगवान हमें दिखा रहा है हम शांत हैं। एंड जितनी हमसे मेहनत जो हमारे कंट्रोल में है हम वो करेंगे, बाकी हम सरेंडर कर देते हैं। तो ये प्रकार की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ और शांति बनाए रखने के लिए इस हफ्ते आप लोग के लिए एडवाइस है। उसके अलावा आपके काम में सक्सेस रहेगी, पॉजिटिविटी दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही, कार्ड्स अच्छे, बिकॉज ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड। एंड जब जो मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपके जीवन में एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में, भैया हमारे कर्म है, भगवान ने हमें फल फ्रूट दे दिए, अब हमारा ड्यूटी है उसे खाए ना खाए, वो हमारे कर्म है। उसी तरीके से एक हिस्सा ज़िंदगी का ऐसा है जो भगवान के हाथ में है, जीवन मरण, कोई बड़े इवेंट्स जीवन के, हमारे सोलमेट्स, माता पिता, ये हमने नहीं चुने, भगवान ने ही हमारे लिए सिलेक्ट किए। तो ये डेस्टिनी कार्ड वो बताते हैं कि अब कुदरत आपके लिए कुछ अच्छा करने वाली है, कुदरत आपके रास्ते खोलने वाली है, तो उसके लिए तैयार हो जाए और विश्वास रखें। तो जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, मैं कहूँगी मकर राशि वालों,
स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक और एक न्यू विजन ज़रूर अपने लिए बनाएं। आप ये सोचें कि अगले 6 महीने में मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है, फिज़िकल फिटनेस में, रिलेशनशिप्स में, अपनी खुशी में, अपने गोल्स में क्या क्या आप चेंजेस चाहते हो 6 महीना, साल भर में, जो भी। और वो अपने आप को कहते भी रहो, रिमाइंड भी कराते रहो और अपने सामने वो पोस्टर लगा लो। बस उस पे फोकस आपने इस हफ्ते करना है, सब कुछ अपने आप वर्कआउट हो जाएगा कैप्रिकॉन्स। ओके, सो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए एनर्जीज है फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है। ओके एक्वेरियस, कुंभ राशि आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो है रिसेप्टिविटी। अगर आप एनर्जीज को देखें ना, तो यहाँ पर तीनों कार्ड्स कप्स के हैं। तो ऑफकोर्स एक्वेरियस, ये वीक इमोशनल होने वाला है। ये वीक में आप अपने पास्ट में से किसी पर्सन को, कोई सिचुएशन को मिस कर सकते हो, ज़्यादा बार सोच सकते हैं आप, यू नो, कहीं ना कहीं ये इन यादों में रहने की वजह से या पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लो भी फील कर सकते हो। बट मैं कहूँगी अब इस रीडिंग के ना दो पहलू हैं। देखो, कई बार आपके इस इमोशनल फील करने से बहुत लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए, बट जिन लोग की फ़ाइट्स को 1-2 हफ्ता हुआ है या 1 महीना हुआ है, मैं मोस्टली कहूँगी 1-2 हफ्ता, छोटी मोटी लड़ाई है तो उसमें रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखता है। एंड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको लेट गो करने के लिए कह रहे हैं कार्ड्स। नाउ विद दैट, जिनकी बहुत टाइम से 1-2 साल हो गया कि बात नहीं हुई है, यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू लेट इट गो। उस बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान आप ना करें एंड रिसेप्टिव हो जाए। रिसेप्टिव का मतलब है कि एक्सेप्ट, जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, आगे भी जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर वो इंसान आपके जीवन में लिखा हुआ है आपका जीवन साथी बनने के लिए या आगे का जीवन बिताने के लिए, तो फिर वो कुछ भी हो जाए वो अलग नहीं हो सकता। और अगर नहीं लिखा है तो आप जितना मर्ज़ी खुद को तकलीफ़ दे लें, वो एक भी नहीं हो सकते। तो कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती, उनकी मर्ज़ी चलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, करियर एंगल में अगर बात करूँ तो करियर एंगल में आप लोग का अच्छा सक्सेस मिलेगी, न्यू चीज़ें कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं, आप लोग को सक्सेस मिलेगी करियर, एजुकेशन एंड आपकी वर्क लाइफ में। देखो, एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तो कोशिश कीजिएगा अपना फोकस ज़बरदस्त बना के रखना, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो बार बार। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, नो प्रॉब्लम। ये कार्ड का ध्यान देना, ये आपको बार बार लेटिंग गो का रिमाइंडर दे रहा है। लेटिंग गो का मतलब भैया किसी से गुस्सा है, पास्ट है, तकलीफ है, छोड़ दो ऊपर वाले पे। कई बार चीज़ें छोड़ने से भी अपने आप बहुत जल्दी सही हो जाती हैं, तो ये विश्वास मन में रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। थोड़ा सा इमोशनल वीक है, आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इमोशंस भी आ सकते हैं, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स आप अपने आप से भी बड़ा इमोशनली सपोर्टिव बन जाओगे खुद के ही, एंड कई बार पास्ट में जाके भी याद करोगे। जो भी है, कोशिश करना इमोशनल अगर हो रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए हो, ग्रैटिट्यूड मन में रखें, और आपने इतनी जो जर्नी पार की है अभी तक अपनी लाइफ में, उसके लिए मन में खुशहाली और पॉजिटिविटी रखें, ठीक है। बाकी भगवान आपको कहीं ना कहीं हर रूप में सपोर्ट करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, गाइड करेंगे, हिम्मत भी देंगे उस वक्त से गुजरने की। ओके एक्वेरियस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या एनर्जीज हैं। ओके
स्पाइसेस, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। अबंडेंस का भी कार्ड ये कहा जाता है। पैसे के रूप में सक्सेस है, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही बढ़िया सक्सेस आप लोग को देखने मिलेगी। आपके पास विजडम, इंट्यूशन, पाइसेस बहुत अच्छे से इस हफ्ते काम करने वाली है। फोकस ऑन दैट, ट्राई योर बेस्ट कि आप योगा, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें, बहुत अच्छा माना जाएगा। विद दैट, यहाँ पर मिड वीक में आपको एक रिमाइंडर के रूप में कार्ड आया है कि चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, या अगर आपको लग रहा है आपके हिसाब से नहीं भी हो रही हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कछुए की चाल चलिएगा। ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से काम ख़त्म करने वाले को ज़्यादा काबिल कहते हैं, अच्छे से और डिटेलिंग से काम करने वाले को ज़्यादा काबिल कहा जाता है। तो चीज़ों में थोड़ा सा संयम, पेशेंस रखना ज़रूरी होगा, इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन। अगर आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, आप चिंता बहुत कर रहे हो, आपकी नो हेल्थ अच्छी नहीं है, वॉट एवर, थोड़ा सा अपने ऊपर ईजी रहना, बहुत अपने ऊपर टफ एंड डिफ़िकल्ट मत हो जाओ, एंड अपने आप को क्रिटिसाइज मत करते रहना। पाइसेस इन दिस वीक, रिमाइंड योर सेल्फ, ओके, कोई भी चीज़ के लिए हम कई बार बड़े इंपेशेंट हो जाते हैं कि ये बस हो जाए, जब तक नहीं होगी तब तक चैन नहीं आएगा। तो अपने ही ड्रीम्स, अपने ही गोल्स को अपना ही दुश्मन मत बना लेना, तो खुद के लिए थोड़ा सा सब्र, पेशेंस रखना। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तीसरा कार्ड बताता है कि ये वाला जो कार्ड है बताता है कि शायद से आप पास्ट में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपका मन बेचैन हो सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करें, एंड इसलिए स्लोइंग डाउन के एनर्जीज है। बिकॉज कई बार क्या होता है, इंसान इतना ऑक्यूपाइड हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे कर रहा है, ये हो रहा है, वो भी हो रहा है, एंड कई बार जब एक्चुअली एक्शन लेने की बारी आती है, कुछ रिस्क लेने की बारी आती है, तो हमारे अंदर ही इतने सारे यू नो वहम हो जाते कि नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे। एंड देयर आर ऑल्सो हाई चांसेस कि एंड ऑफ द वीक में शायद आप किसी पर्सन से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए, इश्यूज हो जाएं, तो कोशिश कीजिएगा कि उस बात को ज़्यादा बढ़ाए नहीं, गुस्से पे कंट्रोल आपने रखना है। पाइसेस एंड ऑफ द वीक में आर्ग्यूमेंट के चांसेस हैं आपके लव्ड वन के साथ में, तो अगर हो भी जाता है तो मैटर पे नो जल्दी लेट गो कर देना, भुला देना, बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के मत रखना। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं थे या नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि आपकी हेल्थ और आपकी पॉजिटिविटी के लिए इट्स बेटर कि आप फॉरगिव कर दे, लेट गो कर दे, तो वो अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है, एजुकेशन के हिसाब से भी अच्छा है, हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड रिलेशनशिप्स में ध्यान देने की ज़रूरत है इस हफ्ते, वो भी एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी सब अच्छा खासा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी खुशबुएं इस हफ्ते आप ज़रूर सुने, अच्छी परफ्यूम लगाएं, फ्लावर्स, घर में अगरबत्ती, कपूर, ये सारी चीज़ें लगाएं जिससे अच्छी खुशबू आपके आसपास रहे, उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव और हैप्पी फीलिंग आएगी। ओके पाइसेस, सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, इफ सो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।